फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ, और वो तो काफी अरसे से करते आए हैं, काफी दशकों से उनका एंटी सनातन पोजीशन रहा है, लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इज इट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि लोग बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं, या फिर सनातन के खिलाफ जो उनके स्टेटमेंट्स है वो बाकी राज्यों में भी ये फैल रहा है? अब मैं इस सवाल को जरा अलग तरीके से देखता हूं। सवाल में कांग्रेस को पूछना चाहिए, जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला जो रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा, और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं, और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज्यादातर गांधीयन लोग थे, ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, और पहला संविधान बना उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था, और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है।